हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का अनअकैडमी शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं सारिका द्विवेदी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपनी इस ईवीएस की तेजस सीरीज में। गुड इवनिंग मोना मूलचंद, आवाज मेरी पहुंच रही है क्या? सेशन को एक बार से सभी लोग शेयर कर दो, क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है ये मुझे क्लियर कर दो, तो फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सभी लोग फटाफट से शेयर कर दो चैनल पर, पहली बार जुड़ रहे हो सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगता है तो। बाकी अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे फॉलो नहीं किया है, वहां पर जाके मुझे फॉलो करो, ठीक है। और मेरी फ्री क्लासेस होती है जो कि आप वहां पर मुझसे ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही अच्छे अच्छे से फीचर्स है अनअकैडमी के एप्लीकेशन के, जहाँ पर पोल सिस्टम है, पोल पर आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया है। गुड इवनिंग अमर उपाध्याय, सभी सेशन को शेयर कर दो एक बार से। प्लस क्लासेस मिलती है, प्लस क्लास ज्वाइन करना हो या फिर स्पेशल क्लास ज्वाइन करनी हो, अनलॉक करने के लिए मेरा कोड सारिका लाइव यूज कर सकते हैं, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ईवीएस की तेजस सीरीज मेरी डेली 11 बजे सुबह मॉर्निंग में होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। साइंस की जूनियर एडिट का मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं डेली दोपहर में 1 बजे, साथ में हम लोग शिक्षक भर्ती मॉडल पेपर 4 बजे सॉल्व करते हैं, तो मॉडल पेपर रहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो, बढ़िया से सेशन रहता है। पहले तो सब लोग शेयर करो फटाफट से, तब हम स्टार्ट करें क्लास को। TSSB KVS सुपर 10 अच्छा सा ऑफर है आप सभी लोगों के लिए, अगर आप इसे ज्वाइन करते हो, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 12 मंथ का सीटेट वाला बिल्कुल फ्री मिलता है। प्लस की फीचर्स देखोगे, आपका सिलेबस कंप्लीट, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, सारी चीजें आपको मिलती है। प्लस के फीचर्स में आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हो, कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। जय सिंह हेलो नमस्ते भाई। बैच कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, टेस्ट सीरीज दी जाती है। बाकी जो आपका, अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्टेट टेट का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, मेरा कोड यूज कर सकते हो सारिका लाइव, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इससे। ऐसे ही अगर आप लेते हो DSSB का तो भी मेरा कोड यूज कर सकते हो सारिका लाइव, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। UPTET का कंप्लीट बैच कोर्स 4 अगस्त से चल रहे हैं, MPTET 31 जुलाई से चल रहे हैं, महामैराथन MPTET की 5 से 15 अगस्त तक बिल्कुल फ्री दी जा रही है स्पेशल क्लास में आपको अनअकैडमी पर। DSSB का बैच आपका 7 अगस्त से आपका DSSB PRT का कंप्लीट बैच कोर्स स्टार्ट हो चुका है कल से, क्योंकि आज तो हो गई है, अच्छा आज ही तो है 7 तारीख, आज कौन सी डेट है, आज 7 तारीख है। चलो अच्छा, UPTET का कंप्लीट बैच कोर्स 21 जुलाई, CTET 17 जुलाई, DSSB 10 जुलाई। सेशन को शेयर करो एक बार से फटाफट से, यहीं से आपका साइड में ऐसे करके आइकन बन के आते हैं, यहां से फटाक से शेयर करो, ठीक है, लाइक कर दो और क्लास स्टार्ट हो जाएगी फिर। अच्छा जी, थैंक यू प्रियंका गौतम, शेयर करो भाई, पहले संख्या बढ़ाओ, क्लास की संख्या को बढ़ाया जाए फिर क्लास को। देखेंगे आज का पहला प्रश्न, पहला प्रश्न देखो, क्या हो जाएगा, भारत का प्रथम
गुड इवनिंग नम्रता, हेलो शालिनी, हेलो शिखा, चलो भाई बहुत बढ़िया आ गए, शेयर कर दो फटाफट से, शेयर ही कर रहे थे हम। चलो स्टार्ट करते हैं। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है? भारत का पहला तितली उद्यान, हेलो गार्की, भारत का पहला तितली उद्यान कहां स्थित है? बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलोर में। राष्ट्रीय शेयर कर दो एक बार से, ईवीएस की सीरीज तो शेयर ही कर सकते हो ना, बिल्कुल नए क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, 50 प्लस का टारगेट। अब तो कोई क्लास भी नहीं है, ना ही आप सबका खाना वाना खाने का टाइम होता है, शेयर करो मैक्सिमम। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलोर, राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। पहला तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? पहला तितली उद्यान आपका बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है, जहां पर आपको बहुत ही सुंदर सुंदर सी तितलियां देखने को मिलती हैं। हर प्रकार की तितली आपको यहाँ पर देखने को मिलती है बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ए वाले जितने लोग भी है बिल्कुल सही है, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है। प्रियंका, फॉर एवर सक्सेस, पूनम, और बताओ। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल नेके अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल बताओ। उत्तर पश्चिमी भारत के रेतीले क्षेत्र बताया जाए आंसर। क्या हो जाएगा आंसर? डी वाला, पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? पश्चिमी घाट हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? चलो अब बताओ, अभी शेयर कर दिया है। चलो बताओ फटाफट से बताओ। भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर्यावरण से कौन से संबंधित नहीं है? सर्वेक्षण विभाग नहीं संबंधित है, किससे संबंधित है ये बताओ, ये भी बताओ, ये संबंधित किससे है? ये आपकी सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए, ठीक है, इससे इसकी स्थापना कब हुई थी? 1767 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका संबंध पर्यावरण से बिल्कुल भी नहीं है। हेलो पंकज, राधे राधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो मैक्सिमम, शेयर कर दो भाई, सभी लोग शेयर कर दो। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। नेपाल और भारत में वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेव का उद्देश्य है संरक्षण करना। अरे 6 बजे वाली क्लास आज 9 बजे शिफ्ट कर दी गई थी, 6 बजे वाली क्लास 9 बजे शिफ्ट कर दी गई है आज के लिए है सिर्फ, या शायद कल भी हो पता नहीं है, इसलिए है ये ईवीएस की क्लास। नेपाल एवं भारत में वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेव का क्या उद्देश्य है? किसका संरक्षण करना है? हेलो राधे राधे ज्योति, टाइगर का संरक्षण करना, सेव द टाइगर, ठीक है, टाइगर का संरक्षण करना, सेव हमारा इसलिए आया था, सेव नहीं है, सेव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 45 मिनट का सेशन होगा आपका, फटाफट से ज्वाइन कर लिया करो। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है
वह है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार वृक्षारोपण में श्रेष्ठ प्रयास, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य, उद्यानों का सौंदर्यीकरण। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह क्या है? अमृता देवी स्मृति पुरस्कार वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। आप सभी को पता होगा बी वाला ऑप्शन। सभी लोग आंसर करो ना, जितने लोगों, कम से कम जितने लोगों उतने लोग आंसर करो, ठीक है? जरूरी नहीं कि ज्यादा से लोग, चलो ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, नहीं आ रहे, जितने लोगों उतने लोग आंसर करो, बढ़िया तेजी से आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपका? प्रथम विश्व, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन प्लस 5 1997, 6 का ए। और बताओ, पूर्णिमा ने 6 का सी, ए ने डी बताया है, क्योटो प्रोटोकॉल डी कार्बन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बताओ, सभी लोग आंसर करो इसका, सभी लोग इसका आंसर करेंगे, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कार्बन व्यापार, कार्बन व्यापार से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित नहीं होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की क्षीणता से, जिसमें आपका 1987 में यह संधि हुई थी, 1987 में, ठीक है? चलो आगे की तरफ चलेंगे। शेयर लाइक सब्सक्राइब करो, सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करो। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखेंगे। 7 हमारा क्या कहता है? निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह अजैविक और जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है या प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। सी वाला, पारिस्थितिक तंत्र के विषय में ये वाला लाइन बिल्कुल गलत लिखा हुआ है कि एक बंद तंत्र होता है। यह एक ऐसा तंत्र होता है, ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, खुला तंत्र है, ये खुला तंत्र है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्लास आपकी 45 मिनट तक होगी भाई, 10 बजे के पहले ही छुट्टी हो जाएगी। हाँ भाई, संख्या बढ़ाओ सभी लोग, 9 बजे भी कोई नहीं फ्री है, 6 बजे भी कोई फ्री नहीं है, फ्री कब रहते हो भाई? खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है, फूड चेन में मानव एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता। अच्छा, ये तो नींद आ रही है भाई, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? चलो, फूड चेन प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता, फूड चेन प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता, मानव क्या होता है? दोनों ही होता है, शाकाहारी मांसाहारी। जय श्री राम अपेक्षा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, डी वाला आंसर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बस मेरा थोड़ा सा गला खराब है, बाकी बहुत बढ़िया है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973, 72, 1980, 1974, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था बताओ?
बताओ इन सभी के आंसर। क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? डी वाला 1974 विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर टेन कौन सा जीव समूह आहार श्रृंखला बनाता है? गुड इवनिंग क्षमा त्रिपाठी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी क्लास में। जीव समूह आहार श्रृंखला बनाता है, घास मानव मछली, घास बकरी मानव, पेड़ पेड़ काटने वाला और बाघ, बकरी गाय और मानव। कौन सा जीव समूह आहार श्रृंखला बनाता है? आहार श्रृंखला बना रहे हैं, ए ने बताया बी वाला ऑप्शन। सभी लोग आंसर करेंगे घास बकरी मानव। घास को मतलब बकरी खाती है, बकरी को मानव खा लेता है। बी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। आगे की तरफ चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से 11 से। पहले सभी लोग सेशन को लाइक शेयर, अरे जितने लोग हो उतने लोग तो लाइक कर दो भाई, उतने लोग भी लाइक कर दो। क्या क्वेश्चन नहीं अच्छे लग रही है क्या? जितने लोग हो क्लास में सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। को क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? मयूरभंज हाथी रिजर्व, संबलपुर हाथी रिजर्व, सोनितपुर हाथी रिजर्व या फिर महानदी हाथी रिजर्व। क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? उड़ीसा में स्थित क्या नहीं है ये बताओ। उड़ीसा में क्या स्थित नहीं है? कर दिया, बहुत बढ़िया। उड़ीसा में आपका सोनितपुर हाथी रिजर्व नहीं स्थित है। सोनितपुर नहीं स्थित है तो फिर बात आती है ना कि कहाँ स्थित है सोनितपुर। सोनितपुर आपके असम में स्थित है, बहुत बढ़िया। सोनितपुर कहाँ स्थित है? असम से स्थित है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। मेरी ईवीएसई क्लास डेली आपकी 6 बजे मिला करेगी, पर पता है क्या, कभी कभी ना ये टाइम चेंज कर दिया जाता है। शायद ये कल 7 बजे मिले, चेक कर लिया करो एक बार से। ये अनअकैडमी की प्रोफाइल पे आकर के एक बार से देखा करो कि मेरी क्लास का शेड्यूल कहाँ क्या लगा हुआ है। एक मिनट, हम आपको खुद ही चेक करके बताते हैं कल के लिए क्या है। कल मेरी 7 बजे क्लास होगी, अगर चेंज होगा कुछ तो बता देंगे। 7 बजे अगर चेंज होगा तो 9 बजे हो जाएगा, नहीं तो 7 बजे होगा। ठीक है, 7 बजे कल सभी लोग ज्वाइन कर लेना, नहीं तो 6 बजे हुआ करेगी। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? हीराकुंड, भाखड़ा, सरदार सरोवर या फिर टिहरी। सभी लोग संख्या बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी, सभी सपोर्ट करोगे तभी जाकर के बढ़िया बेहतरीन क्लास होगी, जिसको कहा जाता है कि इस क्लास में भी सिर्फ फिर जो है 50, 60, 70, 80, 100 लोग होंगे इस क्लास में भी, लेकिन जब शेयर ही नहीं किया जाएगा तो फिर क्या होगा, या फिर लोग पढ़ने में ही नहीं इंटरेस्टेड रहेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं। सबसे ऊंचा नदी बांध टिहरी बांध है, बहुत बढ़िया। टिहरी बांध, ये बताओ टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा यमुना, भागीरथी व अलकनंदा, भागीरथी व भिलांगना, अलकनंदा व मंदाकिनी। हेलो कीर्ति, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध याद कर लो सबसे ऊंचा बांध, और भागीरथी और भीलांगना के संगम पर। ठीक है, ये बताओ दूसरा सबसे ऊंचा बड़ा बांध कौन सा है? इसका आंसर देखते कौन पहले बताएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, सी वाला आंसर सही। इसका आंसर बताओ, दूसरा सबसे ऊंचा बड़ा बांध। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे, फिर बताएंगे भी किसने पहले आंसर किया। सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है?
कृष्णा महानदी चेनाब सतलुज सलाल बांध किस पर बनाया गया? सलाल बांध भाखड़ा नहीं, हीराकुंड तो बड़ा है, बड़ा बांध, लंबा बांध, हीराकुंड लंबा बांध है। सरदार सरोवर का नाम सुने? ईवीएस चल रही है, हाँ बिल्कुल ईवीएस चल रही है, बहुत बढ़िया। सलाल बांध आपका चिनाब नदी पर, चिनाब पर क्या क्या स्थित है? चिनाब पर दुलहस्ती, बहुत बढ़िया, दुलहस्ती, बगलीहार और सलाल, बहुत बढ़िया शिवानी कौरव, सी वाला आंसर बिल्कुल सही है। सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार, ये तीनों ही आपकी चिनाब नदी पर बनाई गई बांध है। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करो। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सिमलीपाल असम, नोकरेक मेघालय, दिहांग बिहांग सिक्किम, अगस्त्यमलाई कर्नाटक, कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये बताओ। सही सुमेलित कौन सा हो जाएगा? भी अपेक्षा ने भी बताया, और बताओ प्रियंका गौतम ने 14 का बताया सी, और लोग भी बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा? बी नोकरेक मेघालय, और बताओ सही वाला सुमेलित बताना है, सही कौन सा है? सिमलीपाल उड़ीसा में है, गलत लिखा हुआ है, नोकरेक आपका मेघालय में है। सिमलीपाल कहां पर पड़ता है जल्दी से बताओ? सिमलीपाल आपका कहां पर पड़ता है? उड़ीसा में स्थित है, सिमलीपाल उड़ीसा में, नोकरेक मेघालय में, दिहांग बिहांग अरुणाचल प्रदेश में, अगस्त्यमलाई केरल तमिलनाडु में। ठीक है, आगे बात समझ में? बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट था, यही वाला बिल्कुल सही मैच है, बाकी बता ही दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आलू में ब्लैक हार्ट किसके कारण होता है? ओके गुड नाइट। आलू में ब्लैक हार्ट किसके कारण होता है? भंडारण में सीओ की कमी, कार्बन मोनोऑक्साइड, भंडारण में रोशनी की कमी। अंजुम कल से 7 बजे होगी, कल 7 बजे होगी आपकी क्लास, कल 7 बजे होगी, आज आपकी शिफ्ट कर दी गई है, कुछ शायद टीजीटी का कुछ वो सारे सेशन होने थे जिसकी वजह से ये वाला सेशन आज का 9 बजे कर दिया गया। ब्लैक हार्ट किसके कारण होता है? ब्लैक हार्ट भंडारण में O2 की कमी के कारण, आलू में ब्लैक हार्ट भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्लैक हार्ट हो जाता है। सी वाला आंसर इस पे सही है, सी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है, बाकी सिमलीपाल भीतरकनिका उड़ीसा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलेंगे। आगे बढ़ा लो, रिफ्रेश कर लो शिवानी एक बार से। पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया, पंचायती राज के बारे में बताना है। आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में पंचायती राज कर लिया, बहुत बढ़िया। पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया था, पंचायती राज सबसे पहले कहां पर लागू किया गया? राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में। डेट क्या थी बताओ जल्दी से, डेट क्या थी? 2 अक्टूबर डेट क्या थी? फिर सेकंड वाला राज्य था आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इसकी भी डेट बताओ। नागौर जिले में 2 अक्टूबर 19, बताओ जल्दी से, किसी का कमेंट ही नहीं आ रहा है। नागौर जिले में 1959, बहुत बढ़िया 1959। और आंध्र प्रदेश में बताओ, आंध्र प्रदेश में बताओ 9 अक्टूबर, कौन सा अक्टूबर? फिर इसके लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, लागू कब किया गया था? 1993 में। पूछा जाए पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, और ये डेट थी 24 अप्रैल 1993।
आरी बात समझ में जब लागू किया गया था। सीटेट के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी आती है, जिनकी समरी हम आपको करवा चुके हैं, जाकर के चाहो तो देख लो। हेलो हरा महादेव, अमित पांडे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलेंगे। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से किया जाए, सेशन को सपोर्ट करो, सेशन को शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। हेलो ज्योति मिश्रा, कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? निम्नलिखित में से वह कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या फिर यूरोप? बताया जाए इसका आंसर। बहुत बढ़िया अपेक्षा, कौन सा एक भी ज्वालामुखी ही नहीं है? ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ऑस्ट्रेलिया में आपके एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है, एक भी ज्वालामुखी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। सर्वाधिक ज्वालामुखी कहां पर आते हैं? नहीं, हाँ, सर्वाधिक ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, जागृत, शांत और सुषुप्त। सर्वाधिक आपके कहां आते हैं? एशिया में, प्रशांत महासागर में। बहुत बढ़िया, चलो तीन प्रकार के होते हैं, जागृत, शांत और सुषुप्त। इन सब के बारे में तो पता ही होगा, बता ही चुके थे कल, बताए थे। चक्रवात कब होता है? चक्रवात बताओ। जापान को तो भूकंपों का देश कहा जाता है, जापान में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। चक्रवात कब होता है? जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब, जब केंद्र में दाब और चारों ओर का दाब बराबर, जब चारों ओर निम्न दाब, जब केंद्र में उच्च दाब और चारों ओर निम्न दाब। चक्रवात कब होता है? चक्रवात कब होता है? सबको पता है चक्रवात, विली विली चक्रवात। बताओ विली विली चक्रवात कहाँ का नाम है? विली विली किस चक्रवात को विली विली कहां पर कहा जाता है? चक्रवात कब आता है? जब केंद्र में निम्न दाब होता है और चारों ओर उच्च दाब होता है। बताओ विली विली किस चक्रवात के अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है ना। विली विली ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, लैकोलिथ किससे संबंधित है? लैकोलिथ किससे संबंधित है? ज्वालामुखी, भूकंप से, पर्वत निर्माण से, महाद्वीपीय प्रवाह से। लैकोलिथ किससे संबंधित है? लैकोलिथ बताया जाए, ज्वालामुखी से, भूकंपों से, पर्वत निर्माण से, महाद्वीपीय प्रवाह से। लैकोलिथ बताओ, लैकोलिथ किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से। लैकोलिथ आपका ज्वालामुखी से संबंधित है, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चारों ओर वायु वायु से समान करने है तो निम्न दाब को तेजी से प्रवाह करती है तब चक्र। बहुत बढ़िया शिवानी कौरव। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? हृदय की धड़कन, वायुमंडल का दबाव, भूकंप की तीव्रता, इनमें से कोई नहीं। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को किससे मापते हैं, किस पैमाने पर मापते हैं? भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किसमें मापते हैं भाई? रिक्टर पैमाने पे, रिक्टर स्केल में, रिक्टर पैमाने पर। तब से पूछ रहे थे आप, बताया सबने आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 से पहले सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो,
सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? एल नीनो जलधारा कहाँ पर प्रकट होती है? ब्राजील के तट पर, पेरू के तट पर, अलास्का के तट पर, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के तट पर? हेलो इब्तिशाम अंसारी, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? हेलो कृतिका, एल नीनो जलधारा पेरू की जलधारा है ना, पेरू के तट पर। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? पेरू के तट पर एल नीनो जलधारा प्रकट होती है। बी वाला आंसर सही है, बी वाला आंसर आपका बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, क्यों? सब्सक्राइब से कौन सी समस्या? अरे जितने लोग हो भाई सभी लोग सेशन को लाइक करो। अच्छा सॉरी भूल गए थे। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है? गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति बिस्के की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी में इनमें से कोई नहीं। गल्फ स्ट्रीम यूरोप का कंबल कह देते हैं इसको। ठीक है आरजू वो समझ गए, वो पता है क्या भूल गए थे। गल्फ स्ट्रीम धारा मेक्सिको की खाड़ी में ठीक है, कहां उत्पत्ति होती है? मेक्सिको की खाड़ी। बी वाला आंसर सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24, किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं? निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? बैकाल झील, ग्रेट बैरियर झील, करदा झील या फिर लिनकनबर झील? पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं? हम लोग बैकाल झील को कहते हैं, पर्ल ऑफ साइबेरिया, बैकाल झील को क्या कहते हैं? पर्ल ऑफ साइबेरिया। क्वेश्चन नंबर 25, वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु उपकरण प्रयुक्त होता है? वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है हाइग्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ, पेंटोग्राफ, बैरोग्राफ। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु, आप इस सेशन को लाइक नहीं किया है, बहुत सारे लोगों ने अपना लाइक बचा के रखे हुए हैं, चला चला के गला खराब हो गया है। सेशन को शेयर कर दो, सेशन को लाइक कर दो, सेशन को सब्सक्राइब कर लो, फिर भी लोगों को नहीं समझ में आता है ना। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा हो जाएगा? हाइग्रोग्राफ। ए वाला बिल्कुल सही है, ए वालों को मिलेगा +1, बाकी को मिलेगा 0, है ना, 0। क्वेश्चन नंबर 26, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ये इनका अलग ही चल रहा है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? गारो खासी जयंतिया किस राज्य में स्थित है? सुनाओ। बफरिंग हो रही है क्या? रिफ्रेश करो, नेटवर्क इशू होगा, अगर बफरिंग हो रही तो नेटवर्क इशू होगा। गारो खासी जयंतिया आपको कहां देखने को मिलती है? मेघालय में देखने को मिलती है। ठीक है, गारो खासी जयंतिया मेघालय में देखने को मिलती है, और जनजाति भी यहीं पे, जनजाति भी इनकी यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से किया जाए। कल आपको यही क्लास शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी, कल आपकी क्लास शाम को 7 बजे होगी, फिर आपकी डेली 6 बजे हुआ करेगी, गुड इवनिंग रूबी, विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? सबसे लंबी तटरेखा किस खाड़ी की है? एमपीट का फॉर्म तो फिल हो चुका है भाई, कौन नहीं है? राज सोनू, एमपीट का फॉर्म भर चुका है। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? फारस की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, कार्डिगन की खाड़ी? सर्वाधिक लंबी रेखा, सबसे तट रेखा, हडसन की खाड़ी की
सबसे ज्यादा लंबी तट रेखा है? हडसन की खाड़ी, ग्रेड टू के पेपर एमपी के करवा, ग्रेड टू में आपका ईवीएस आता है क्या? ईवीएस, ईवीएस आता है क्या? शेयर कर देना एक बार से, अपेक्षा अगर पेपर हो तो पेपर शेयर करना। बंगाल की खाड़ी विश्व की सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली खाड़ी होती है, जबकि हडसन की खाड़ी सबसे लंबी तट रेखा वाली खाड़ी होती है, सबसे लंबी तट रेखा वाली खाड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, गुड इवनिंग प्रियांशी। डाम्फा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, डाम्फा वन्य जीव अभयारण्य मिजोरम, नागालैंड, असम, सिक्किम। एसएसटी के करवा दें, उसपे करवा देंगे 8 बजे वाली क्लास में, 8 बजे वाली क्लास में बोलना तो करवा देंगे। डाम्फा जो यूट्यूब पर 8 बजे सेशन होता है, डाम्फा वन्य जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? मिजोरम, नागालैंड, असम, सिक्किम। डाम्फा वन्य जीव अभयारण्य, डाम्फा कहां पर स्थित है ये बताओ। डाम्फा आपका मिजोरम में स्थित है। डाम्फा वन्य जीव अभयारण्य, गुड इवनिंग बबली। डाम्फा वन्य जीव अभयारण्य मिजोरम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, हुमायूं की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई थी? हुमायूं की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई? नूरजहां, जोधा, अनारकली, गुलबदन बेगम। हुमायूं की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई? हुमायूं की आत्मकथा किसने लिखी थी? हुमायूं की आत्मकथा आरजू ने बताई, गुलबदन बेगम ने लिखी थी। हुमायूं की आत्मकथा गुलबदन बेगम ने लिखी थी, डी वाला आंसर सही है। हेलो वंदना, वंदना को फाइनली मेरी क्लास पता चल गई है। वंदना मेरी क्लास की रेगुलर स्टूडेंट है, अगर पता नहीं चल पाती है तो नहीं करती है, नहीं ठीक है, नहीं तो रेगुलर मेरी क्लास में वंदना रहती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, 30 क्वेश्चन नंबर से पहले सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखा अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तीनों अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। उत्तरी एशिया, उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, क्या हो जाएगा आंसर? तीनों रेखाएं गुजरती है कौन से वाले महाद्वीप से? हमने आपको इसको मैप में भी बताया था कि एक ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। और नहीं नहीं ये जो 6 बजे क्लास होती थी ना, वो आज 9 बजे शिफ्ट कर दी गई थी, 9 बजे शिफ्ट कर दी गई है, बस बाकी है ये। अगर पूछा जाए इसके बीच से आपकी विषुवत रेखा गुजरती है, बीचों बीच से विषुवत रेखा गुजरती है, भारत के बीचों बीच से। अच्छा तुम ढूंढ रहे थे, वही हम सोच रहे थे। मेरी क्लास जो है आपको कल 7 बजे मिलेगी वंदना, कल मेरी क्लास 7 बजे होगी। एक बार से इसी के प्रोफाइल पे जाकर के देख लिया करो कि मेरे शेड्यूल को कितने बजे का है। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, भारत के मध्य से कर्क रेखा, और ऑस्ट्रेलिया के मध्य से मकर रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है। और अगर ग्लोब में देखा जाए तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ में होती है हमारी मकर रेखा, और विषुवत रेखा 0 डिग्री इक्वेटर वाली लाइन होती है। रिफ्रेश करो, लाइव पर ऑप्शन आता है ना लाइव का, लाइव पे क्लिक कर दिया करो तो लाइव जहां पर चल रही होगी तुरंत से चलने लगती है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, यूपीटी जीटी का एग्जाम है। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से एग्जाम देना, बढ़िया से तसल्ली से सोच समझ के करना, बेस्ट ऑफ लक। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत? कान्हा किसली, रणथंभौर, जिम कार्बेट, कैबुल लांजाओ। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, कैबुल लांजाओ। कैबुल लांजाओ कहां पर स्थित है? मणिपुर में, मणिपुर के लोकटक झील में, लोकटक झील में, ठीक है। और लोकटक झील को ही मणिपुर की जीवन रेखा कहते हैं, मणिपुर की जीवन रेखा लोकटक झील को कहा जाता है। और क्या है ये? एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र
तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान? आ गई बात समझ में? समझ में आ रही चीजें ना, तो चलो आगे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पहले सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी नदी नहीं है? तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, अमरावती। बताओ कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? कृष्णा नदी पर कौन सा बांध परियोजना, कौन सी बांध परियोजना बनाई गई है, कौन सी परियोजना बनाई गई है और इसकी सहायक नदी कौन सी नहीं है? कृष्णा नदी पर आपकी, कृष्णा नदी की सहायक नदी अमरावती नहीं है, अमरावती नहीं है इसकी सहायक नदी। और इस पर कौन, नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है और अलमाटू, नागार्जुन सागर बांध और अलमाटी बांध भी। अलमाटी बांध नागार्जुन सागर परियोजना भी, परियोजना है नागार्जुन सागर परियोजना आपकी कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध, मतलब वही चीज यहाँ पे बनाई गई है। अलमाटी भी कृष्णा नदी पर ही है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? मानवीय गतिविधियों के कारण पेड़ों की संख्या में कमी आना, पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह का गर्म होना, खनिज ईंधनों के जलने के कारण प्रदूषण होना, ओजोन की परत घटने के कारण वायुमंडल का गर्म होना। क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस प्रभाव, पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह का गर्म होना, वायुमंडल के कारण उसकी सतह का गर्म होना ही होता है हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। बी वाला आंसर बिल्कुल सही, बी वाला आंसर है बिल्कुल सही। आगे की तरफ चलेंगे। ये देखो भाई, सूर्य से निकल रही है, बाकी इतना पोल्यूशन है, इतना प्रदूषण है कि बाहर परावर्तित ही नहीं होने देती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, प्रताप बढ़ रहा है धरती का। क्वेश्चन नंबर 34, गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया? गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया? 1906, 1908, 1913, 1912 किस वर्ष गिरफ्तार किया गया सत्याग्रह के दौरान? 1908 में पहली बार इनको गिरफ्तार किया गया था सत्याग्रह के दौरान। सी वाला 1908 है भाई, 1908 में गिरफ्तार किया गया था गांधी जी को। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलेंगे। हाँ, साउथ अफ्रीका से ड्रवान से आए थे। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता हस्तांतरण का कारण था? कोई बात नहीं, ट्राई करते रहो बस बढ़िया से अच्छे से। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता हस्तांतरण का कार्य का कारण था। इसी दिन 1915 में वो भारत, वहां से इंग्लैंड से भारत आए थे। 9 जनवरी 1915 को आए थे, तो 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। बाकी शहीदी दिवस आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है इनके ही मृत्यु दिवस पर। जन्म इनका 2 अक्टूबर को हुआ था 1869 में। चलो क्वेश्चन नंबर 35, 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता हस्तांतरण का क्या कारण था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था भाई? आज अभी 8 बजे वाली क्लास में बताया भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, और तुम बोल रहे हो 1947 में भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था आपका?
भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था? भारत छोड़ो आंदोलन आज बताया हमने आपको, भी अभी शाम की क्लास में बताया है। बताओ जल्दी से, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 8 अगस्त, अच्छा 7 अगस्त थी, ठीक है, आज 8 अगस्त नहीं थी, उस टाइम उल्टा थोड़ा सा बोल दी। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के द्वारा आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। आगे चलना है, प्रश्नों की तरफ चलना है। सत्ता हस्तांतरण का कारण क्या था? तो इसी दिन क्योंकि जापानी सेनाओं के एडमिरल माउंटबेटन के सामने आत्मसमर्पण किया गया था ना, इस वजह से 15 अगस्त 1943 को ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता हस्तांतरण किया गया था। डी वाला आंसर सही है, डी वाला आंसर सही है। गुड इवनिंग नेहा, डी वाला आंसर। कल आपकी यही सेम क्लास 7 बजे होगी, 7 बजे। बहुत बढ़िया है, हम तो बढ़िया से हैं। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया करो। दीवाने खास इनमें से किस स्मारक में बना है? दीवाने खास बताओ। ज्वाइन किया करो मिक्स क्वेश्चन सीरीज 8 बजे वाली मेरी क्लास में। 8 बजे अनअकैडमी शिक्षा का दूसरा वाला चैनल है, जनरल अवेयरनेस मिक्स क्वेश्चन सीरीज करवाई जा रही है। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी तीनों के मिक्स क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन आप ज्वाइन कर सकते हो। इसी प्रोफाइल पे ही जा करके आप अनअकैडमी शिक्षा पर क्लिक करोगे, सबसे नीचे देखोगे होम पेज पर ही आपको दिखेगा अनअकैडमी शिक्षा का दूसरा वाला चैनल जिसमें समथिंग 280-290 सब्सक्राइबर्स है। उसमें देखोगे जाकर के मेरी जो क्लास हुई ना, जरूर से देखो, बहुत ही बढ़िया सा सेशन है। फिर कमेंट करके बताया करो क्लास कैसी लगती है। दीवाने खास किस स्मारक में बना है? दीवाने खास बताओ, दीवाने खास कहाँ पर बना है? दीवाने खास आपका लाल किला परिसर पर बनाया गया है, ठीक है। दीवाने आम, दीवाने खास, ऐसे दीवाने खास लाल किला परिसर पर बनाया गया है। आ रही बात समझ में? बाकी चलो, अभी हमने बताया था दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर द्वारा करी गई थी। अकबर द्वारा, ईयर बता दो आप सभी, कब की गई थी? दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर द्वारा कब की गई थी? इसका आंसर बताओ। दीन इलाही की स्थापना 1582 में दीन इलाही की स्थापना की गई थी। चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई ये बताओ। ऐसे ही आपको अमेजिंग सेशन आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी मिलते हैं, बिल्कुल फ्री आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे सारी चीजें मिलती हैं, ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल 8 बजे वाली पे रीड के लिए सस्ती कर, बिल्कुल हो रही है कृतिका, आप ज्वाइन करो आपको फायदा करेगी। गुड इवनिंग शालिनी, आप ज्वाइन करो आपको फायदा करेगी, ठीक है। आप ज्वाइन करो मेरी प्रोफाइल पे जा करके, जाओ सेशन को देखो, उसको ढूंढो कहाँ पे हो रही है, जितनी भी मेरी क्लासेस है देखो उनको, 4-5 हुई है, ठीक है। और मेरी देखो फॉलो कर लो, यहाँ से आपको नोटिफिकेशन आने लगेगा। इसके अनलॉक करने के लिए मेरा कोड यूज कर सकते हो सारिका लाइव, 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। बाकी मेरी क्लास सुबह 11 बजे डेली ईवीएस की तेजस सीरीज होती है, साइंस की 1 बजे हम लोग जूनियर एडेड का मॉडल पेपर करते हैं जो कि आपके रीड की साइंस के लिए, यूपीडेड की साइंस के लिए, सुपर डेड प्राइमरी की साइंस के लिए 10 नंबर में इंपॉर्टेंट होती है। सुपर डेड प्राइमरी का पीआरटी का मॉडल पेपर डेली 4 बजे हम लोग करते हैं, आगे ज्वाइन कर लिया करो। कल यही सेम क्लास आपको मिलेगी 7 बजे। DSSSB सुपर डेड केवीएस का सब्सक्रिप्शन आज लास्ट डेट है 12 बजे तक, लेते हो तो आपको सीटेड वाला सब्सक्रिप्शन फ्री। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, आप सभी का सपोर्ट था जिससे इतने सारे लोग आए हैं, सभी शेयर कर दिया करो, बहुत ज्यादा खुशी होती है हमें। 7 बजे कल क्लास होगी, सब लोग तैयार रहना। और जैसे पता है कैसे मोटिवेशन मिलता है आपको, और भी धमाकेदार क्वेश्चन मिलेंगे, और भी बढ़िया से क्वेश्चन मिलेंगे कल आपको, बस आप शेयर कर दिया करो। थैंक यू सो मच, कल मेरी क्लास यूट्यूब पर आपको 7 बजे मिलेगी, 7 PM पर इसी चैनल पर, और दूसरे वाले चैनल पर 8 बजे मिलेगी। अगर ये क्लास 7 बजे ना हो तो 9 बजे चेक कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सब्सक्रिप्शन लेना हो तो मेरा कोड यूज करना सारिका लाइव। थैंक यू, कल सुबह 11 बजे स्पेशल क्लास में मिलते हैं, और यहीं पर मिलते हैं आपको इस यूट्यूब पर, तो 7 बजे मिलेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताओ, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताया करो, फीडबैक दिया करो, ऑफलाइन कमेंट किया करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।